हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पर प्रश्न लेके आया हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और प्रश्न भी अच्छे लगेंगे साथियों। तो ये जो वीडियो है साथियों, जिसमें हम लोग 20 का डोज देखते हैं, तो 20 का डोज है क्या है साथियों? 20 का डोज है तो आज ये जो इसका सेट होगा, भाग होगा, जो क्लास होगा 63 होगा। कौन सा होगा? 63 ना। तो इसके पहले के उम्मीद है कि सारे भाई बहन देखे होंगे, सारे दोस्त लोग। जो नहीं देखे हैं तो प्ले स्टोर पर जाके देख लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करेंगे और दोस्तों के पास शेयर करेंगे साथ में। तो चलते हैं साथ में, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आप लोगों के, जो 2022 की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट है। तो पहला है, प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल कहाँ से है ना? तो प्रसिद्ध समकालीन कलाकार हैं अमित अम्बालाल, इनका संबंध कहाँ से? लखनऊ से, दिल्ली से, कलकत्ता से या अहमदाबाद से? तो इनका संबंध कहाँ से है अमित अम्बालाल का? तो पहला क्वेश्चन है साथियों, तो पहला का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बनेगा वो अहमदाबाद हो जाएगा। तो अमित अम्बालाल का जो संबंध है कहाँ से है? तो अहमदाबाद से है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, PRV का मतलब क्या है? क्या करा है PRV न का मतलब क्या है? पेंटिंग रिजर्व बैंक, प्री रिनेसा ब्रदरहुड, पोस्टर रिनेसा ब्रदरहुड या प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड? तो क्या राइट आंसर बनेगा साथियों दो नंबर में? तो दो नंबर का जो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है आज का, निफ्ट शैक्षणिक केंद्र, जो निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? निफ्ट शैक्षणिक क्षेत्र जो है तो ललित कला में, हस्तकौशल, फैशन तकनीक या सिरे में? तो निफ्ट जो शैक्षणिक केंद्र है किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? तो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। अब यहाँ से बताइए, उम्मीद है कि सारे लोग कॉपी पेपर लेकर बैठे होंगे, कॉपी पेन लेके और नोट डाउन भी कर रहे होंगे साथ में। तो हमारे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर तीन नंबर पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, फैशन तकनीक में। निफ्ट जो है फैशन तकनीक में काम कर रहा है। चार नंबर है, पोंत द गाम क्या है? पोंत द गाम क्या है? दृश्यचित्र है, गुफाएं हैं, मूर्ति हैं या रेखांकन है? तो पोंत द गाम क्या है साथियों? तो पोंत द का गाम का संबंध किससे है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका जो संबंध है साथियों किससे जाएगा? गुफाओं से। पोंत द गाम क्या है? गुफा है। इनमें से प्रसिद्ध व्यंग चित्रकार कौन है? इनमें से एक प्रसिद्ध व्यंग चित्रकार कौन है? BN आर्य हैं, मदन लाल नागर हैं, PC लिटिल है, RK लक्ष्मण थे। एक व्यंग चित्रकार इनमें से साथियों कौन है? तो व्यंग चित्रकार इसमें से देखिए कौन हो जाएंगे। चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं और कमेंट करके बताइए, तो व्यंग चित्रकार कौन है? तो व्यंग चित्रकार इसमें से जो होंगे तो RK लक्ष्मण थे। तो RK लक्ष्मण जो थे ये व्यंग चित्रकार से इनका संबंध था। कैटे काम का संबंध किस कला से है? कैटे काम का संबंध किस कला से है? मुस्लिम कला से, ईसाई कला से, बौद्ध कला से या यूनानी कला से? तो कांटे काम का संबंध किस कला से है? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। वीडियो को आप लोग लाइक करिए, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगता है वीडियो को लाइक करने के लिए और ना शेयर करने पे। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर आपका क्या बनेगा साथियों? छः नंबर पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये ईसाई कला थी। कांटे काम क्या थी? ये ईसाई कला है। अगला है, प्रसिद्ध कैथेड्रल, प्रसिद्ध कैथेड्रल ऑफ नॉट्रे डेम स्थित है। तो कहाँ पे है? एम्स्टर्डम में है, वर्सा में है, पेरिस में है या बर्लिन में है? तो प्रसिद्ध कैथेड्रल ऑफ नॉट्रे कहाँ पे है? देखिए चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका? तो यहाँ पे सी हो जाएगा, पेरिस में। प्रसिद्ध कैथेड्रल ऑफ नॉट्रे डेम जो है पेरिस में है। आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो आठवां क्वेश्चन है, नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनाया गया है? राजा उमेश सिंह, राजा माधवराव, राजा सवाई सिंह या राजा पटियाल सिंह ने? तो आठवां क्वेश्चन है, तो आठवां क्वेश्चन में देखिए, तो नई दिल्ली में जो जंतर मंतर स्थित है ये किसके द्वारा बनवाया गया है साथियों? तो किसके द्वारा बनवाया गया है? तो ये राजा सवाई जयसिंह के द्वारा बनवाया गया। तो आप कमेंट के बताएंगे कि जंतर मंतर पूरे भारत में कितने हैं, कहां कहां पे हैं, या गिन के बताएंगे कितना है। इनमें से कौन सा छापाकार नहीं है? न कौन सा एक छापाकार नहीं है? रेम्ब्रा है,
विलियम ब्लैक हैं, पाब्लो पिकासो हैं या थियोडोर जेरी कॉल्ट हैं। तो इनमें से कौन एक छापाकार नहीं है ना? तो नौ नंबर का क्वेश्चन है, तो नौवें नंबर में देखिए इसमें से कौन एक छापाकार नहीं है। तो छापाकार जो नहीं है, थियोडोर जेरी कॉल्ट जो है ये छापाकार नहीं थे। अगला है, रामायण के अनुसार सीता क्या कर रहा है? रामायण के अनुसार सीता की स्वर्ण प्रतिमा किसने बनाए थे? तो आपको जो एक जो 20 क्वेश्चन मिलते हैं साथ में पूरे छाट छाट के क्वेश्चन बनाए, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, आने वाले ऐसे ही प्रश्नों को आपके बीच लाया जाता है ना। सीता की स्वर्ण प्रतिमा किसने बनाई थी रामायण काल में? लक्ष्मण, मैजीत, रावण या राम? तो किसके द्वारा बनाई गई थी साथियों? ना तो किसके द्वारा? मैजीत के द्वारा यहाँ पे बनाई गई थी। क्या है रामायण के अनुसार सीता की स्वर्ण प्रतिमा किसने बनाई थी? तो मैजीत ने बनाया था, बनवाया किसने था? तो राम थे। ठीक, अगला है, कला शब्द का प्रथम प्रयोग किसमें हुआ है? जो कला शब्द है इसका सबसे प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? नाट्यशास्त्र में, कादंबरी में, तिलक मंजरी में या विष्णु धर्मोत्तर पुराण में? तो नाट्य कला का सप्तम प्रयोग कहाँ हुआ है? तो कला का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हो जाएगा साथियों? चार ऑप्शन देखिए, ये हो जाएगा नाट्यशास्त्र में, कला का सबसे पहले प्रयोग हुआ है। अगला है, अमरनाथ सहगल को किस रूप में पहचाना जाता है? मूर्तिकार के रूप में, संगीतकार थे, फिल्म निर्माता थे या नृत्यकार थे? तो अमरनाथ सहगल क्या थे? तो किस विधा के लिए इनको अमरनाथ सहगल को जाना जाता है साथियों? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है, फटाफट आप आंसर का रिप्लाई दीजिए साथियों। और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसके, 20 में से 20 किसका जाता है ना? तो काफ़ी लोग जो आप लोग कमेंट करते हैं साथ, बहुत ही अच्छा कमेंट है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, अच्छी तैयारी आप लोगों की हो पा रही है साथियों। मैं देख रहा हूँ 20 में से 20, 20 में से 19, 20 में से 18, 20 में से 17, इस तरह से आप लोगों का रिस्पांस है, तो वेरी गुड परफॉर्मेंस है आपका। तो यहाँ पर हो जाएगा मूर्तिकार थे, अमरनाथ सागर क्या थे? मूर्तिकार थे। महेंद्र कुमार शर्मा जिन्हें सुमहेंद्र के नाम से भी जाना जाता है, तो ये क्या थे? वास्तुकार या नृत्यकार थे, गीतकार, संगीतकार, ग्राफिक कलाकार, छायाकार, चित्रांकन या मूर्तिकार? तो इनका संबंध किससे है? महेंद्र कुमार शर्मा जो थे, निजी सुमहेंद्र के नाम से भी जाना जाता है, तो इनका संबंध किससे था? तो ये चित्रकार और मूर्तिकार से था। अगला है, ढोला मारू चित्र संबंध इनमें से किससे है? जो ढोला मारू का चित्र है इसका संबंध इनमें से किससे है? ढोला मारू का संबंध, तो 14 नंबर पे हम लोग हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं ना। तो 14 नंबर पे यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 14 का राइट आंसर क्या है? किशनगढ़, मेवाड़, उदयपुर, जोधपुर। तो ढोला मारू चित्र का जो संबंध किससे है, तो किससे जाएगा ढोला मारू का संबंध साथियों? तो इसका जो संबंध होगा मेवाड़ शैली से हो जाएगा, किससे? मेवाड़ शैली से। अगला है, आगरा फतेहपुर सिकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, आगरा और फतेहपुर सिकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, तो यह कथन किसका, किसने कहा था इसे? लॉर्ड माउंटबेटन, महारानी विक्टोरिया, फाहियान या राल्फिच महोदय? तो आगरा और फतेहपुर सिकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, तो किसने यह कथन कहा था साथियों? तो बताइए यहाँ पे किसने कहा था, तो यहाँ पे महारानी विक्टोरिया कौन हो जाएंगे, यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन, फाहियान, राल्फिच, किसके द्वारा हो जाएगा कथन? तो ये जो कथन होगा आपका, राल्फिच ने ऐसा कहा था कि आगरा फतेहपुर सिकरी दोनों लंदन से बड़े हैं। सुमिए क्या है? सुमिए क्या है? चीनी कला है, जापानी शाही चित्रण है, फारसी रंग है या ईरानी कला है? तो सुमिए क्या है? सुमिए कला से किसका संबंध है चारों में से? तो किसका हो जाएगा सुमिए कला से साथियों? तो बताइए यहाँ पे, तो यहाँ पे सुमिए कला का जो संबंध बनेगा आपका, जापानी शाही, ईरानी कला, फारसी रंग, चीनी, तो किससे हो जाएगा साथियों? तो इसका जो संबंध होगा जापानी शाही चित्रण से को ही सुमिए कहा जाता है। अगला है, रिफ्लिका का अर्थ क्या है? रिफ्लिका क्या है? रिफ्लिका का क्या अर्थ है? केवल पुनरुत्पादन, मूर्ति की प्रतिकृति, सांचा तैयार करना, खोखली मूर्ति। तो रिफ्लिका का क्या अर्थ है चारों में से? रिफ्लिका किसे कहेंगे? तो रिफ्लिका किसे कहेंगे साथियों?
ये जो मूर्त की प्रतिकृति होती है इसी को रिफ्लिका कहा जाता है, मूर्त की प्रतिकृति को ही रिफ्लिका कहा जाता है। ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती हैं? ललित कला के दायरे में कौन सी कलाएं आती हैं? चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला या इनमें से सभी? तो देखिए यहाँ पे चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, तो क्या हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पे चित्रकला भी होगा, स्थापत्य भी होगा, संगीत भी होगा, और देखा जाए लास्ट में तो इनमें से सभी आपका बेस्ट आंसर डी हो जाएगा। ललित कला के दायरे में जो आती हैं सभी कलाएं हैं, इनमें से तीनों हैं। ब्राक और पिकासो, ब्राक और पैब्लो पिकासो ने किस शैली को जन्म दिया? न जन्म दिया, नाम दिया, फंतासी, अति यथार्थवाद, घनवाद या प्रभाववाद? तो ब्राक और पिकासो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, जितने प्रश्न होते हैं साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके परीक्षा के दृष्टि से देखते हुए बनाए जाते हैं 20 प्रश्न छाड़ कर ढूंढ कर। तो फंतासी है, अति यथार्थवाद है, घनवाद है या प्रभाववाद है? तो क्या हो जाएगा साथी यहाँ पे, ब्राक और पिकासो ने जिस शैली को जन्म दिया वो था आपका क्या हो जाएगा, तो शैली आपकी हो जाएगी घनवाद शैली। अगला है और आज का आखिरी ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपके जो स्क्रीन पे है साथियों, 20वां क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर कौन था? उस्ताद मकबूल थे, उस्ताद मखूर थे, उस्ताद महबूब थे या उस्ताद मंसूर थे? तो प्रश्न का जो मॉडल है कैसे है, प्रश्न कैसा है, किस प्रकार से हो आप लोगों की तैयारी ये भी बताएंगे, और प्रश्न का मॉडल कैसे ये भी बताएंगे, और 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही होता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करके बताएंगे साथियों। तो मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर कौन था? तो कौन हो जाएगा साथी यहाँ पे, यहाँ पे जो इनका प्रसिद्ध पेंटर था वो आपका उस्ताद मंसूर था। कौन था? उस्ताद मंसूर। तो मुगल सम्राट जहांगीर के समय का जो पेंटर था उस्ताद मंसूर न, ये पक्षियों के लिए और पुष्पों के लिए और थोड़ा थोड़ा किसके लिए, पशुओं के लिए भी जाना जाता था। ठीक, तो ये रहे साथियों आज के बेस्ट 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2022 के लिए इम्पॉर्टेंट थे, आपकी परीक्षा की दृष्टि को देख कर बनाए गए हैं साथियों। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए होंगे, अब वीडियो पसंद आया हो, प्रश्न पसंद आए हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे अधिक से अधिक मात्रा में। जो नए भाई बहन हैं, जो नए व्यूवर्स हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पर आप लोग इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, लगे रहिए साथियों न, चाहे जहाँ से प्रश्न मिले एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, तैयारी जितनी ही बेस्ट होगी और रिविजन से ही आपकी बेस्ट हो पाएगी, परीक्षा हाल में पूरा क्वेश्चन आपको करके आना है 125 में से पूरा 125, तो जिसमें से आपका माइनस मार्किंग होता नहीं है तो आपका 120 बनेगा और आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से दृढ़ संकल्प पक्के इरादे के साथ लगे रहिए, दीजिए इजाज़त, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, आप लोग स्वस्थ और अच्छे रहें।